पहला है दर्पण सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ये है एक बटा वी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, जहां पे वी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, मात्रक इसका सेंटीमीटर है। यू जो है वो बिंब या वस्तु की दूरी है, इसका मात्रक भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो भी हमको प्रश्न में मात्रक दिए गए हैं उसी के अनुसार हम जो है यहाँ पर मान रखेंगे और वही मात्रक हम काम में लेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी जो है वैल्यू का मात्रक कोई और दिया गया हो, मीटर दिया गया हो, तो उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मात्रक चेंज करने पड़ जाते हैं कई बार। ठीक है ना, परीक्षा में मात्रक हमको भिन्न दिए गए होते हैं, तो सूत्र के हिसाब से कौन सा मात्रक उपयोगी है, सूटेबल है, वो हमें यूज में लेना है। एफ जो है वो फोकस दूरी है, ठीक है, मात्रक इसका भी सेंटीमीटर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें देखिए, अगर मान लीजिए प्रश्न अवतल दर्पण से संबंधित है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, परीक्षा में वो आपको नेगेटिव नहीं देगा, लेकिन फॉर्मूले में जब भी हम ये एफ का मान लिखेंगे तो इसके आगे माइनस का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो हमें एफ के आगे, इस एफ के आगे कोई भी प्लस का या माइनस का साइन लगाना नहीं। अगर कोई भी साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, वस्तु या फिर बिंब भी कहते हैं इसको, ठीक है, वस्तु की दूरी जो होती है वो यू होती है, जो हमेशा ऋणात्मक होगी। यानी ये जो यू का मान आपको परीक्षा में वो देगा, सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, -40 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। माइनस अगर आपने नहीं लगाया तो आप जो भी जो एलसीएम लेकर के प्लस माइनस करके जो भी आप मान निकालेंगे, उत्तर निकालेंगे, वो हमेशा गलत ही आएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपको अवश्य याद रखने हैं। ठीक है ना,